दिल्ली के उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया आज अमृतसर आए। इस मौके पर उन्होंने रोड शो निकाला जो कि अमृतसर के अलग अलग रास्तों से होता हुआ अमृतसर के हाथी गेट में आकर संपन्न हुआ। इस मौके पर उन्होंने एक रैली को भी संबोधित किया जिसमें कि अकाली दल पर उन्होंने निशाना साधा, साथ ही उनके बारे में फिर बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि आज जो देश में नशे का जाल चल रहा है वह पंजाब से है जिसकी जिम्मेदार अकाली भाजपा सरकार है। बिल्कुल, नशे का देखिए, नशे के तो कारोबारी सब आपस में जुड़े हुए रहते हैं, ये तो सब इनका नेक्सस रहता है। तो पंजाब में जो लोग नशे का कारोबार कर रहे हैं उनके भाई वर्ग ही तो वहाँ खड़े होकर नशे का कारोबार कर रहे होंगे ना, जो छोटा मोटा जो हो रहा है वहाँ भी छोटा मोटा हम लोग सुनते रहते हैं। तो उनको लगा अचानक क्या हुआ, उनको लगा कि अरे ये क्या हो गया, अगर मजीठिया जेल चला जाएगा तो दिल्ली वालों का भी कारोबार बंद होगा। बहुत लोग हैं, अभी एक बार यहाँ से तार पकड़ेंगे तो कई लोगों के पकड़े जाएंगे। देखो, नशे का नेक्सस तो पूरे देश में एक ही है, पंजाब में इसको ये चला रहे हैं। अब निकल के आएंगे, पंजाब से शुरुआत होगी इनके एक्सपोज की। अभी तक तो सत्ता में बैठे हुए लोग ही चला रहे थे। भैया, बिना सत्ता में बैठे हुए लोगों के कहीं भी नशा नहीं चल सकता। और जिनके कंट्रोल में पुलिस है, पुलिस खास तौर से और जो लॉ एंड ऑर्डर है, उनके बिना कंट्रोल के नशे का कारोबार नहीं चल सकता। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, बीजेपी जहां जहां सत्ता में बैठी है वहां जिम्मेदारी ले, नहीं तो उनका काम है नशा रुकवाए, भेजे जेल वालों को, कैसे हराना नशों का कारोबार। मैं तो कल इंतजार कर रहा था, सीबीआई वाले आए नहीं और रात को पहुंचे एक डायरेक्टर के दफ्तर के घर पे, 5 घंटे दफ्तर में वो 5 घंटे हमारे रेट डालते रहे। मैंने कहा मेरे को अरेस्ट करके ले जाते, मैं कम से कम पंजाब में आ रहा था, फिर मैं अगले दिन पंजाब में आ गया। कर ले सीबीआई के केस से कौन डरता है, ये तोता मैना सब जो है। मोदी जी डर के हार से पंजाब में हार से डर रहे हैं वो। नहीं जी, आपने गयन कब बयान मेरा आज भी वही है जो उस दिन था, आप लोगों का इंटरप्रिटेशन बदल जाता है। मैंने उस दिन भी यही कहा था, आज भी खुल के यही कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री कोई भी हो, मुख्यमंत्री जो काम करेगा करेगा, लेकिन जो वादे केजरीवाल जी करके जा रहे हैं वो केजरीवाल जी की जिम्मेदारी है। मैं अगर कह के जा रहा हूँ कि पंजाब की एजुकेशन को बदलेंगे तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं पंजाब के शिक्षा मंत्री के साथ रह के काम करूंगा, लेकिन पंजाब के स्कूलों को जैसे हमने दिल्ली के स्कूल चमकाए हैं वैसे पंजाब के भी सरकारी स्कूलों को